पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए पार्टियां तो जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं, साथ ही पंजाब चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग ने इस बार 100% मतदान कराने की ठान ली है, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त वीके सिंह बुधवार को पंजाबी यूनिवर्सिटी पहुंचे, नौजवानों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करने की बात कही। आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कमीशन लगातार तैयारियां कर रहा है। इसी के तहत चुनाव कमीशन ने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में एक खास कार्यक्रम करवाया, जिसके तहत वोटर लिस्ट में पंजीकरण के लिए युवाओं को जागरूक किया गया। पंजाब के मुख्य चुनाव आयुक्त वीके सिंह ने नौजवानों के प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित किया। रजिस्ट्रेशन को इनकरेज करने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पटियाला ये पंजाबी यूनिवर्सिटी में किया गया, जिस विच पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट सर्वे कंडक्ट कराया से उसकी रिपोर्ट उन्होंने सानू दी है। इस दे आधार पर आप इस जरा कैंपेन आप आगे किवें होर इंप्रूव करना है, इस बेस बना के आप काम करेंगे। इस ये इवेंट इस वक्त वोटर लिस्ट को पूरा करने का काम किया जा रहा है, जो 7 अक्टूबर तक चलेगा और 2 जनवरी को वोटर सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि अभी हम अगली जी आने वाली जो इलेक्शन है वो करके जी रजिस्ट्रेशन होनी है वोटर की हम टाइम चल रहा है। इस करके अभी जरा सितंबर महीने 7 अक्टूबर तक का जो कैंपेन है उसका फायदा उठान ते अपने ना ते अपने आस पास के पड़ोस में कोई रहा है वोटर वो ना तुम रजिस्टर कराओ, यही बेनती करके आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं। लोकतंत्र में नौजवानों का योगदान बेहद अहम है और चुनाव कमीशन की ये कोशिश बेहद सराहनीय है। हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला।